लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में चीन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि बीजेपी ने सबसे पहले 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिससे साफ पता चल रहा है कि भाजपा फ्रंट पर खेल रही है, तो पूरा विपक्ष डरा और सहमा हुआ है। जिस राजनीतिक दल ने सबसे पहले 8 सीटों की घोषणा कर दी हो और रणनीतिक रूप में 2 सीटों को बचा करके रखा, उसके लिए कहते हैं कि आप घबरा करके तो नहीं किया आपने? घबरा तो दूसरे दल रहे हैं, घबरा तो दूसरे दल रहे हैं जिनके पाँव के नीचे की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर विपक्ष के नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, विपक्षी दल के नेता को इस्तीफा तक देना पड़ा। सुभाष बराला ने से जब पूछा गया कि भाजपा ने रोहतक और हिसार की सीटों पर अपने उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किए, तो उन्होंने कहा कि इन दो सीटों पर किसी खास रणनीति के तहत उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी नहीं कर रही है, लेकिन अब जल्दी टिकटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। सुभाष बराला से जब पूछा गया कि इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, तो उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाए। आज भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर है, भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर के खेल रही है, अगर बैक फुट पर है तो सारे के सारे विपक्षी दल हैं। और एक बात और, मैं देखिए, मैं एक बात पहले कही है कि राजनीति में इस प्रकार की मुलाकातें कोई पहली बार नहीं हुई हैं, और अब जब 8 सीटों की घोषणा हो चुकी है तो किसी भी प्रकार से इस मुलाकात के राजनीतिक अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए, ना निकाले जा सकते। तो वहीं पर कुलदीप बिश्नोई के परिवार द्वारा भाजपा की टिकट पर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर बराला ने कहा कि राजनीति में बहुत बार बहुत बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं। साथ में उन्होंने यह भी बोल दिया कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आएंगे, इस बात में कोई सच्चाई भी नहीं है। निश्चित रूप से राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, पूर्व में भी ऐसे बड़े बड़े हरियाणा में काम हुए हैं, राजनीतिक घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं, लेकिन इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। तो आप मानते हैं कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं बीजेपी में नहीं आ रही? देखिए, मैं एक बात कहता हूं, कुलदीप बिश्नोई समेत कांग्रेस के सभी बड़े धुरंधर विचलित हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और नरेंद्र मोदी जी के नाम की जो हवा इस देश के अंदर है, उससे पूरी तरह से विचलित है। मैं एक बात कहता हूं कि आप जो लोग नाम ले रहे हैं, उनके मन में भी किस प्रकार की बातें होंगी, क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के वो चर्चा कर रहे होंगे, क्यों मुख्यमंत्री जी से मिल रहे होंगे, ये उनके मन का भाव दिखाता है कि सब लोग डरे हैं, सहमे हैं कि कहीं नरेंद्र मोदी जी की हवा में बड़े बड़े धुरंधर भी ना उड़ जाएं, इसलिए इस प्रकार की बातें चलती है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुभाष बराला ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हरियाणा की सभी विपक्षी पार्टियां दिल्ली में बैठकर महागठबंधन बनाने की बात कर रही है, क्योंकि उनको डर है कि सभी पार्टियां एक मंच पर नहीं आई तो भाजपा 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा से जीत जाएगी। दिल्ली के अंदर बैठ करके हुड्डा साहब, तंवर साहब, इनके प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद, अरविंद केजरीवाल, इनके हरियाणा के एक दो नेता, वो वहाँ पर बैठ करके इस प्रकार की प्लानिंग करते हैं कि सब इकट्ठे हो जाओ, दिल्ली में भी इकट्ठे हो जाओ, हरियाणा में भी इकट्ठे हो जाओ, पंजाब में भी इकट्ठे हो जाओ, और हरियाणा के बारे में तो एक बात कहते हैं, या तो इकट्ठे हो जाओ नहीं 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। ये मैं मेरे राजनीतिक शब्द नहीं कह रहा, उन पार्टी के नेताओं के कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का हरियाणा का अध्यक्ष कहता है, नैना चौटाला भी जेजेपी पार्टी की जो एक किस्म से आज के दिन जो सुप्रीमो ही मैं उसको कह सकता हूँ, वो भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा द्वारा हरियाणा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने पर बराला ने कहा, मुख्यमंत्री प्रदेश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है, उनका घर हुड्डा की तरह शीशे का नहीं है बल्कि लोहे का मजबूत घर है, जिस पर पत्थर नहीं मारा जा सकता, और भ्रष्टाचार तो हुड्डा ने फैलाया था, इसलिए आज उनके खिलाफ जाँच चल रही है। वो जिन लोगों के पत्थर और लोहे से भी मजबूत घर है, जिनके उनके ऊपर पत्थर फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने खुद विधानसभा के अंदर कहा था, हरियाणा की विधानसभा और हरियाणा की जनता इस बात की गवाह, उन्होंने छाती ठोककर एक बात कही थी, अगर हमने कोई गलत काम किया है तो उसकी जांच करवाएं। आज कहीं सीबीआई की जांच चल रही है, कहीं किसी कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है, कभी किसी के कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है, तो ये तो उन्होंने जो बात कही थी उसी के आधार पर चल रहा। और हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक भी ऐसा
कोई आप मामला नहीं बता सकते हरियाणा प्रदेश में जिसके बारे में कहा जा सके कि कहीं कोई बदले की भावना से किसी के ऊपर कार्रवाई की गई हो। ये तो जिन लोगों ने जो किया है पूर्व में वही चीज़ें सामने आ रही हैं, उन्हीं चीज़ों के आधार पर जो भी दोषी होगा सजा भी होगी। चीन से अनिल कुमार की रिपोर्ट।